नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। यूएफबीयू के आह्वान पर दरभंगा जिला के बैंक कर्मी अपने अपने ब्रांच बंद करने के बाद दरभंगा टावर चौक पर एकत्रित होकर भारत सरकार के निजीकरण फैसले के खिलाफ यथा कॉमर्शियल बैंक कर्मी के अनुसार 11वां द्विपक्षीय वेतन समझौता जो 1 नवंबर 2017 से बकाया है को ग्रामीण बैंकों में भी लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मी 15 एवं 16 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। दरभंगा टावर चौक से चिलचिलाती धूप में शहर के विभिन्न मार्गों से प्रदर्शन करते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया तथा सरकार के जनविरोधी बैंक निजीकरण फैसले का पुरजोर विरोध किया। बाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरी ऑटोक्रेसी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरी ऑटोक्रेसी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। माने जायज है, जायज है, जायज है। बस डिमांड जस्ट जस्ट डिमांड जस्ट। ICICI बैंक के सामने आनंद मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आम सभा हुई। सभा को प्रदीप कुमार मिश्र, महासचिव उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने कहा कि समाज कल्याण में जितनी भी योजनाएं सरकार की है उनका अक्षरशः क्रियान्वयन सरकारी बैंक करती है, जबकि इस कार्य से प्राइवेट बैंकों का कोई सरोकार नहीं रहता। आमजन अपना खाता सरकारी बैंकों में अधिकार से खुलवाते हैं, जबकि गरीब नागरिकों का प्राइवेट बैंक में प्रवेश वर्जित है। जनधन योजना के तहत खाता खोलना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसे अनेकों योजना का भुगतान सरकारी बैंक ही करता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के दबाव में ही मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण करने पर आमदा है, जो बैंकों से ऋण लेकर अदायगी नहीं की और ऐसे पूंजीपति ही बैंक को खरीदने की ओर अग्रसर है और मध्यम वर्गीय जनता जिनका बैंकों में पैसा जमा है उसे कॉरपोरेट हड़पना चाहती है। इसी को लेकर दरभंगा में 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। ये हमारे बैंक का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने 2 दिन का हड़ताल किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से सोच रही है उस हिसाब से तो हर कुछ निजीकरण ही होता चला जाएगा, तो फिर गरीबों का क्या होगा? क्योंकि हमारा इंडिया जो अभी भी अनडेवलप्ड है, हम डेवलप्ड कंट्री में से नहीं है, तो पहले हमें गरीबों को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से सस्टेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना हाई लेवल थिंकिंग होते जा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई करते जा रहे हैं सब कुछ, कि ये लाना है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट पहले आप नीचे से शुरू कीजिएगा ना, पहले अपने गरीबों को आप सस्टेन करवाएंगे तब तो कुछ आगे होगा। तो यहाँ पर जो है कि सब कुछ ऊपर लेवल से सोचा जा रहा है, निजीकरण करेंगे ये होगा फिर वो होगा, लेकिन पहले आप अपने बुनियाद को क्यों सही करेंगे? तो हम लोग हैं कि अपने लोअर लेवल के जो मतलब आस पास के लोग हैं उनको हम लोग ये देते हैं, लोन दे रहे हैं, मतलब जो पब्लिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो जो जितने भी सरकारी हैं लोन, वो ज़्यादातर जो लोन है वो हम लोग कर रहे हैं, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक कर रही है, प्राइवेट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हम ही लोग को प्राइवेट किया जा रहा है, तो हम लोग भी इस तरह के लोन नहीं करेंगे। जितना भी अभी कोरोना के टाइम में लोन किया गया है वो हमारे बैंकों ने किया और अब प्राइवेट हमें ही किया जा रहा है, तो फिर आगे भी मतलब सोच लें आप लोग की क्या होगा, क्योंकि बेसिकली जो कुछ भी है वो हमारे साथ साथ पब्लिक के लिए भी है। बैंक एम्प्लॉज यदि हड़ताल करते हैं तो आम लोगों को कष्ट होती है और जिसको कष्ट होती है उससे हम क्षमा प्राप्त। हमारा डिमांड है कि हम 365 दिन आपकी सेवा करते हैं, 2 दिन हमारे लिए कष्ट के लिए। हमारा डिमांड है कि बैंक को बेचना बंद करो, बैंक बिकेगी जो निर्धन है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बैंक का द्वार बंद हो जाएगा पहले की तरह। इसलिए बैंक को बेचना बंद करो, यदि आप नहीं सुनोगे तभी कुछ छोटा तौर पर हम आंदोलन कर रहे हैं, आगे हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको झुका करके छोड़ेंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा। सैनिटाइजेशन के अपोज में हम लोग यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि सैनिटाइजेशन को रोका जा सके। सरकार अपनी तरफ से ये सोच रही है कि वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करने के लिए बैंक को प्राइवेटाइज करेगी और उनका जो भी काम है, चाहे वो उनको पार्लियामेंट बनाना हो उसके लिए वो इसका पैसा लगाएंगे, या फिर उनके जो पूंजीपतियों को उनको लोन देना या जो भी करना चाहे बैंक के थ्रू वो उससे वो कर लेंगे। बट अगर देखा जाए तो इंडिया का ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो मार्जिनल पुअर है, उन लोगों का क्या होगा? जीरो बैलेंस अकाउंट हमारे मतलब जितने भी PSU बैंक है वो खोलते हैं, प्राइवेट बैंक आप देख लीजिए किसी गाँव में
मिनिमम बैलेंस होता है। यहाँ पे लोग 200 रुपए, 300 रुपए, 50 रुपए निकालने के लिए आते हैं। कौन सा प्राइवेट बैंक है जो आपको 50 रुपए निकालने का अलाउ करेगा? ऑफकोर्स नहीं करेगा। तो लोगों के लिए भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और रही बात इम्प्लॉयज की, इतना कड़ा प्रिपेयर करके, इतना टफ पेपर दे के हम लोग आते हैं ये सोच के कि गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। बाद में 1-1.5 साल आप काम करो और आपको बोला जाए कि बैंक प्राइवेटाइज कर दिया गया, आप लोग प्राइवेट इम्प्लॉय हो गए। कहीं और लगे ना लगे, पर सोशल स्टेटस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं तो लड़कियां काम नहीं करेगी, फिर सोचेंगे प्राइवेट बैंक में काम करेगी, वहाँ प्रेशर होगा, रात को 9 बजे आएगी, तो काम कहाँ से होगा? जो भी वुमेन पार्टिसिपेशन है काम करने में वो भी और